ठीक पहले पीएम मोदी शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम पहुंचे थे। अपनी यात्रा के दौरान काफी उत्साहित नजर आए पीएम मोदी। विरोधियों की आंखों में खूब खटके भी होंगे। जब भी कभी पीएम मोदी ऐसी कोई यात्रा करते हैं तो देश के प्रधान होने के नाते पूरी मीडिया में वो ही दिखते हैं। इससे मोदी विरोधियों की छाती पर खूब सांप लौटते हैं। विरोधियों को पीएम मोदी का यूं लाइमलाइट में आना जरा भी रास नहीं आता है, लेकिन हाथ मलकर या दांत भींच कर या फिर बुरा बोलकर या मजाक उड़ाकर भी वो अपनी खींच निकाल पाते। ऐसे में छठवीं बार जब पीएम मोदी बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे थे तो इसी समय का पीएम मोदी का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी सामने से आते दिख रहे हैं। इस दौरान बीच में एक पुजारी आ जाते हैं जिनको एक व्यक्ति हटाता हुआ दिखता है। हालांकि ये व्यक्ति कौन है वो नहीं पता, क्योंकि वीडियो में ज्यादा उसका सिर्फ हाथ ही नजर आ रहा है। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस पीएम मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश करती दिखी। यूपी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया, पंडित जी सामने से हट जाइए, भावनाएं समझिए कैमरा जीवी जी की। यहां कांग्रेस ने कैमरा जीवी शब्द का प्रयोग पीएम मोदी के लिए किया है। अब यूपी कांग्रेस के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देश प्रेमी नाम के यूजर ने लिखा, पप्पू से तो उच्चारण भी नहीं हो पा रहा, पाखंडी। भारत भूषणपुरी ने लिखा, कितने बेशर्म लोग हो तुम कांग्रेस वाली, दुर्गति हो गई पार्टी की और आगे और पिटोगे लेकिन हरकतें नहीं सुधरी। कुछ नहीं हासिल होना इन जैसी डॉक्टर वीडियो से, मुद्दों की बात करो अगर कुछ जनता की गुड बुक्स में आना है तो, वरना खेल खत्म है कांग्रेस का। एक और यूजर ने लिखा, मोदी जी को ये समझ ही नहीं सकते, वो कुछ ऐसा करते हैं कि सबके सब उसी में 5-6 दिन तक लगे रहते हैं। मनीष दीवान नाम के यूजर ने राहुल गांधी की तस्वीर साझा की है, लिखा है, चलो कैमरामैन को ही नमस्कार कर लेता हूँ। अनिल कुमार गर्ग ने तो इंदिरा गांधी की तस्वीर निकाल कर साझा कर दी, लिखा, ये लो 1970 की कैमरा जीवी। तो कुछ इस तरह से मोदी का मजाक बना रही कांग्रेस को सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने कमेंट्स से धो डाला। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम गए थे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की थी। पीएम मोदी रात में बद्रीनाथ धाम में ही रुके थे और विकास कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया था। देर रात तक बैठक की थी जिसके बाद माना जा रहा है कि काशी और केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम की भी तस्वीर बदलने वाली है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी जल्द ही अब बद्रीनाथ धाम को भी संवार देंगे, लोगों के लिए रास्ता सुगम बना देंगे, बद्रीनाथ धाम तक लोगों की पहुँच को काफी आसान बना देंगे। वैसे यूपी कांग्रेस के पीएम मोदी के बनाए गए मजाक और उस पर सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से कांग्रेस को मिले जवाब को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।